Dear children, we are reading parts and whole, and yesterday we have read about the equivalent fraction. ठीक है, हमने equivalent fraction के बारे में बताया था और एक question आप लोग को दिया था करने के लिए. जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो अपने यहाँ म्यूट कर ले. हाँ, तो parts and whole में हम आप लोग को कल equivalent fraction के बारे में बता रहे थे. आज हम उसी equivalent fraction में कुछ मिसिंग चीजें बताएंगे. ठीक है, मिसिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है, ये जैसे मान लिया कि एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन मैं मान लिया लिख देता हूं 4/7 और यहां पे लिख दिया 16 और डिनोमिनेटर में खाली छोड़ दिया, यहां नहीं पता है क्या भरना है. ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां क्या भरना है? इसका दो मेथड है. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप आज भी पढ़ेंगे इसको, क्लास 5 में भी पढ़ रहे हैं और जब कभी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो भी इस तरीके का एग्जाम, इस तरीके का क्वेश्चन उस एग्जाम में भी आता है. ठीक है, तो इसको आज आप अगर सीख लेंगे तो उस समय आपको भूलेगा नहीं. ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हम दो चीजें ध्यान रखेंगे. एक चीज तो हमने कल बताया था कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा बोथ आर सेम, देन दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, यही हमने कल बताया था ना कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और दोनों का रिजल्ट यहां पे लिखेंगे तो अगर दोनों इक्वल आया तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट. ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. आज भी कुछ वही करेंगे. इसको पता करने के लिए आज भी कुछ वही करेंगे. और क्या करेंगे ये आप लोग को मैं बता रहा हूं. क्या करेंगे, यहाँ इक्वल की साइन लगी हुई है. अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, 7 × 16 करेंगे. और ये वाला जो 4 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके यहाँ खाली हो जाएगा वो वाला हम छोड़ देंगे. इस 4 को यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4. इसका मतलब हुआ कि पहले किसके यहां कुछ रखने उखने की आवाज आ रही है भाई, ये गलत बात है. पहले आप लोग को समझाना पड़ता है, जिसके यहां से भी आवाज आ रही हो, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता आप लोग का. ये सारी आवाज जिसके यहां से आ रही है वो अपनी माइक म्यूट कर ले. तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन जो ऑब्लिक का लगा हुआ है या इसको बाई भी बोलते हैं, ये इसका मतलब है ये डिवाइड का साइन है. ठीक है, फ्रैक्शन में इसको डिवाइड का साइन मानते हैं, डिवाइडेड बाई 4. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की टेबल अगर आती हो तो 7 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या आएगा 16×7 क्या, किसी को मालूम है 16×7 क्या होता है? 112. इसको 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, समझ गया. ओके, इसको अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हम यहाँ रफ पे कर देते हैं 112 को 4 से डिवाइड, 4×2 = 8, यहाँ 3 बचा, 4×8 = 32, यही आएगा ना. अब ये आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या आंसर होगा,
28, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस 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 सर। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? अब मैं एक आसान सा दे रहा हूँ, आप लोग अभी अपने कॉपी पे करके तुरंत तुरंत मुझे आंसर बताएंगे। सभी लोग एक एक आदमी से मैं आंसर पूछूंगा, यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे आंसर पूछूंगा। और ये जिसके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा बंद कर लो, आकृति राज के यहाँ से आज फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आकृति राज का तो म्यूट रहता है, लेकिन यहाँ आकृति राज का ही बार बार दिखाई देता है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसके फोन में ही हो सकता है दिक्कत हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 3/5। अब यहाँ पे ऊपर वाला हम खाली छोड़ेंगे और नीचे वाला लिख दिया 25। अब आप ऊपर वाला करके हमको बताइए जल्दी जल्दी सर। 15 कौन बोला सर? नाम बोलिए, नाम। आयुष सिंह। नाम आयुष सिंह, वेरी गुड। 15। अब कैसे आया, जरा आप कैसे आया बताइए, आप तो सारे लोग सुनेंगे। हाँ, अपना माइक ऑन कर लीजिए और माइक और कैमरा दोनों ऑन करिए, सारे लोग आपको देखेंगे भी और बताएंगे भी, बताइए। सर सर 5 5 5 25 3 5 15 5 5 25 3 5 15, ठीक है। वो तो ये छोटा रहा है इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसको किसको। सर 5 3 का 25 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 का 25 से मल्टीप्लाई करना है। इतना बड़ा कलर से ले ले, ये आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5, उसको 5 से डिवाइड करना है। हाँ, अब ये आ जाएगा 15, यही आंसर होगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे। अभी समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। सबके समझ में आ गया ना? तो अब मैं कुछ बड़ा बड़ा आप लोग को दूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा दे देता हूँ और एक क्वेश्चन इधर बड़ा दूंगा, ये आपको अपने से करना है, ठीक है। एक है 15/45 ओके सर इक्वल्स टू 15/45, एक ये हो गया और एक ये है, ये इतना है। 3rd, 4th and 5th ये तीन क्वेश्चन आपको अपने से करने हैं, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप अपने से ये तीन क्वेश्चन को करेंगे और ये तीन क्वेश्चन करने के बाद आप हमको भेजेंगे। इसके बाद का और भी, अभी तो यहाँ दो दो फ्रैक्शन हमने दिया है, सुनिए, अभी अभी यहाँ हमने दो दो फ्रैक्शन केवल दिया है और दोनों फ्रैक्शन में आपको इक्विवेलेंट बताना है। अब आपको कल जो बताएंगे उसमें कई फ्रैक्शन देंगे, डोंट टॉक। कल जो बताएंगे उसमें कई फ्रैक्शन देंगे और बीच बीच में वो मिसिंग होगा, तब उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही आप लोग करिए और इसको करके ग्रुप में भेजिए, ग्रुप बंद होने से पहले 2 बजे तक, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी ईवीएस के लिए हम लोग